हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं फोटो की बैकग्राउंड को किस तरह से हम रिमूव करते हैं। ओके, तो अनचाहे वांटेड कुछ भी यहाँ पे अपने फोटो में आ जाता है तो हम चाहते हैं कि रिमूव करना। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे फोटोज़ है जिसमें हम पीछे बैकग्राउंड में कुछ ग्रीन दिख रहे हैं, कुछ ग्रीन ट्री दिख रहे हैं। ओके, तो इसे किस तरह से रिमूव किया जाता है तो हम ये आज जानने वाले हैं अपने वीडियो में। एक मिनट के अंदर आप किसी भी बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, चलिए हम पिक्स आर्ट को ओपन कर लेते हैं। पिक्स आर्ट के जरिए हम किसी भी बैकग्राउंड को हम रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए पिक्स आर्ट को ओपन कर लेते हैं। पिक्स आर्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्लस आइकॉन दिख रहा है, वहाँ पे चले जाइए। जैसे आप प्लस आइकॉन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने फोटोज़ को सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे किसी भी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए जिस फोटो का आप बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो। ओके, तो चलिए मैं ऑल फोटो में चले जाता हूँ और जो हम जिस फोटो को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ उस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट कर लिया है मैंने। तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो कटआउट का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कैंची दिख रही है। ओके, तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन या सेकेंड वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप कटआउट इस तरह से सिलेक्ट करके कटआउट कर सकते थे पहले। ओके, तो आपको इसके जरिए मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो एक पर्सन का जो लोगो दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपने आप यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाएगी और जो पर्सन बीच में दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप देखते रहिए, यहाँ पे पर्सन ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ 10 या 20 सेकंड के अंदर ही यहाँ पे अपने आप यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा रेड पर्सन यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, लगता है कि कुछ बाकी रह गया है तो यहाँ पे पेंसिल में जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ बाकी रहेगा था। ओके, तो इस तरह से हम एडिट कर दिया है और यहाँ पे ऊपर जो आपको सेव बटन दिख रहा है वहाँ जाके आप सिंपली सेव कर दीजिए। ओके, तो आपकी फ़ोटो यहाँ पे सेव हो चुकी है और आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज हो जाने के बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक कर दीजिए और इस फ़ोटो को सेव कर दीजिए। तो आप आसानी से इस फ़ोटो को आप यहाँ पे आपका राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो जाने के बाद आप एरो पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको आप सेव कर सकते हो अपनी गैलरी में। तो इस तरह से आप किसी भी फ़ोटो की बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया यहाँ पे एक मिनट के अंदर ही आप किसी भी बैकग्राउंड को आप इरेज कर सकते हो। आपको मैं गैलरी में फ़ोटो दिखा देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ़ोटो को जो अभी इरेज किया था वो आपको आप आसानी से देख सकते हैं। फोटो की बैकग्राउंड को आसानी से मैंने चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पिक्सआर्ट की मदद से आप किसी भी फ़ोटो की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फोटो की बैकग्राउंड को किस तरह से ऐड करना है अगर ये सीखना चाहते हैं तो मुझे जरूर से कमेंट करें, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।